नमस्कार, रेसिपी हल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुरमुरे का डोसा। मुरमुरे जिसे कि कई लोग मुढ़ी भी कहते हैं और कई लोग लाई भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे पफ्ड राइस कहते हैं। लेकिन इसे बनाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। मुरमुरे डोसा बनाने के लिए हमने 1 कप चावल और 1/4 कप उड़द दाल को 4 घंटा के लिए भिगो कर रखा था, जिसमें हमने 1 टीस्पून मेथी भी डाल रखा है। इसे ग्राइंडर कप में निकाल लेंगे और मैंने 1 कप चावल के लिए 4 कप मुरमुरे भी भिगो कर रखा है, इसे भी हम निचोड़ कर डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक फाइन पेस्ट, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और उस पेस्ट को एक बाउल में निकालेंगे। ये देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए पेस्ट का। मेरा बाउल थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसलिए मैंने एक बड़ा बाउल में निकाल लिया है, क्योंकि ये इसे हम 4-5 घंटे के लिए फर्मेंटिंग के लिए रखेंगे या फिर ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। इसे कवर करके हम ओवरनाइट रखेंगे। एक डोसा तवा लेंगे, रात भर रखने के बाद ये फर्मेंटिंग हो गया है। डोसा तवा में थोड़ा सा तेल स्प्रेड करके इस तरह डोसा बनाएंगे। आप चाहे तो बचे हुए जो मुरमुरे होते हैं जिसे हम नहीं खा सकते उसी से भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए कितने सारे होल हो गए और कितना फ्लफी डोसा बना है। ऊपर से थोड़े से तेल डाल देंगे। और इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह हम सारे डोसा बना लेंगे। फिर से थोड़े से तेल लेंगे और फिर से थोड़े से डोसा बटर लेंगे और इसे इवेनली फैलाएंगे। इसे ज़्यादा पतला मत बनाइए। इसे कवर करके अब कुक करेंगे। मुरमुरे के डोसे बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही नरम होते हैं, लेकिन आप इसके रेशियो को याद रखिए। हमें मुरमुरे 4 कप लेना है और चावल 1 कप और 1/4 कप उड़द दाल लेना है। आप चाहे तो थोड़े से मेथी उसमें डाल सकते हैं। और इसे इसकी बैटर को 4 घंटे के लिए हमें फर्मेंटिंग करना है। इसे आप ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं और इसके साथ अगर आप टमाटर और अनियन का चटनी लगाकर खाएंगे तो ये बहुत ही मस्त लगते हैं। और टमाटर अनियन का चटनी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसे बनाइए, खाइए और अपना कमेंट हमें ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।